अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज। तो चलिए आज की टेक न्यूज की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस देके आता रहता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। और ऐसे में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जी डॉलर से रिलेटेड। और ऐसे में डॉलर ने जैसे ही सुना कि हमारे कप्तान बनने वाले हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो इसकी प्राइस होगी 128 से 124 रुपये। और ऐसे में जो हमें फॉल डाउन देखने को मिला है डॉलर की प्राइस के अंदर, वो है 4.50 रुपये का। और ऐसे में आप खुद ही देख लो कि हमारे कप्तान की कितनी ज़्यादा दहशत है कि डॉलर जैसी चीज़ को अपनी औकात के ऊपर वापस लेके आना शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हम पाकिस्तानियों के लिए कि जो हमारा रुपया है उसकी कदर में इजाफा हो रहा है। और ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो हमारा रुपया है उसकी कदर के अंदर इस तरह इजाफा होता रहे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार लिनोवो से रिलेटेड। और ऐसे लिनोवो ने रिलेट अपना जो रिलीज कर दिया अपना एक पर्सनल असिस्टेंट, जो कि हमें देखने को मिल जाता है सेम गूगल होम और अमेजोन के अलेक्सा जैसा ही। इसके अंदर भी यूज़ किया गया गूगल के असिस्टेंट को, जिससे हम बातें कर सकते हैं और अपने डिफरेंट किस्म के सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और ऐसे में जो उसका डिज़ाइन है वो मुझे अलार्म जैसा देखने को नज़र आ रहा है यार, एक LCD हमें देखने को मिल जाती है इस अलार्म जैसे ही असिस्टेंट में, और जिसे हम अपनी जो साइड टेबल है बेड के उसके ऊपर रख के अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है लिनोवो की तरफ से, और जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी हमें यूनिक देखने को मिल जाता है। तो ये अपडेट आता है जी लिनोवो की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी वीवो के नेक्स्ट से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी आने वाला पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और जो प्राइस होगी वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, जैसे हमें सेम इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी प्राइसिंग देखने को मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लिनोवो से अच्छी प्राइस को ऊपर लॉन्च करें पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन टक्कर देने वाला है ओप्पो के फाइंड एक्स को। और ऐसे में मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फाइंड एक्स बाय करना तो आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय करना, और मुझे ये लगता है कि उस प्राइस के अंदर दो इस तरह के आ जाएंगे। तो अब रिपोर्ट्स ये तो कहती हैं कि इसकी प्राइस काफ़ी अच्छे होने वाली है और ये काफ़ी अच्छे से टक्कर देगा ओप्पो के फाइंड एक्स को। तो अब तो यही बात है कि जब ये लॉन्च होगा तभी हमें असल बात पता चल जाएगी इसकी मोबाइल फ़ोन की। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ऑनर से रिलेटेड। और ऐसे में ऑनर लॉन्च करने वाला अपना प्ले मोबाइल फ़ोन दुनिया की मार्केट के अंदर 1 अगस्त को, और ये आएगा स्पेशल एडिशन के साथ में, जहाँ पर आपको जो बैक साइड के ऊपर देखने को मिलेगी इनग्रेविंग लेजर के साथ में। और यार पैटर्न काफ़ी कमाल किस्म का है इस मोबाइल फ़ोन का, आपके ऊपर पीछे बैक साइड के ऊपर काफ़ी कमाल किस्म की इसके अंदर इनग्रेविंग की गई है लेजर से, और जो पैटर्न है वो काफ़ी कमाल के लगते हैं जब उससे बैक से सब पकड़ा हुआ हाथ में, काफ़ी कमाल की फीलिंग आएगी जब इसे हाथ में कोई पकड़ेगा। और ऐसे में इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो GPU वाला टर्बो वर्जन है जो कि आता है हुआवे की तरफ से। तो ये काफ़ी एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है ऑनर से रिलेटेड। तो अब देखते हैं कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है मोबाइल फ़ोन दुनिया की मार्केट में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार यूट्यूब से रिलेटेड। और ऐसे में आपको PC के ऊपर जो डिफरेंट साइज़ की वीडियोज़ हैं जब आप वो वॉच करते हैं, जैसे कि मोबाइल से शूट की गई हो वीडियो, तो उसके आपको साइड के ऊपर बेजल ब्लैक से देखने को मिल जाते हैं। तो वो उस चीज़ के ऊपर अपग्रेड किया गया है यूट्यूब की वेबसाइट को। और ऐसे में आप जब भी आप देखेंगे वीडियो जो कि यूट्यूब के ऊपर मोबाइल से शूट की गई हो, जो कि अपलोड की गई है, उसके अंदर आपको बेजल नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि जो उसका लेआउट है वो उसी से साइज के अंदर चेंज हो जाएगा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। और ऐसे में मैंने भी आज इस चीज़ को नोट किया है जब मैंने कुछ वीडियोस को देखा। तो ये अपडेट आता है जी यूट्यूब की तरफ से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार सैमसंग से रिलेटेड। और ऐसे में सैमसंग की तरफ से रिपोर्ट से कहती हैं कि आपको नोट 9 के साथ देखने को मिल सकता है एक वायरलेस चार्जर, जहाँ से आप अपना मोबाइल फ़ोन तो चार्ज कर ही सकेंगे, साथ में जो अपना जो गियर S3 वगैरह है वो भी चार्ज कर सकेंगे सेम टाइम के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सैमसंग ने एक तरह से पूरा एक स्टेशन सा निकाल दिया मोबाइल फ़ोन और वॉच को चार्ज करने के लिए। और ऐसे में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आने वाले टाइम के अंदर जब नोट 9 रिलीज़ होगा तो उसके साथ हमें कोई डील देखने को मिल सकती है कि जिसके अंदर ये जो स्टेशन है चार्जिंग वाला वो भी हमें देखने को मिलेगा मोबाइल के साथ में। तो अब देखते हैं कि 9 अगस्त को सैमसंग क्या करता है इस चार्जर के साथ में और किस तरह की डील बनती है नोट 9 की इस चार्जर के साथ में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार यूट्यूब से रिलेटेड ही। और ऐसे में आपको
आपको डार्क वर्जन देखने को मिल जाता है, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा उसके ऊपर एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। और यही सेम चीज़ आ चुकी है एंड्रॉयड के अंदर भी, जहाँ पर आप यूज़ करेंगे डार्क वर्जन को जो कि आता है यूट्यूब का। और ऐसे में यार काफ़ी ज़्यादा वाइट वाइट फील होता है, आंखों के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाती है जब हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं यूट्यूब को वाइट उस लेआउट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है यूट्यूब की तरफ से कि हमें जो डार्क मोड है वो देखने को मिल गया है यूट्यूब में, और ऐसे में आंखों की बचत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यूट्यूब की तरफ से। तो ये अपडेट आता है जी यूट्यूब की तरफ से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ओप्पो कह रहा हूँ वन प्लस फाइव की तरफ से। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो वन प्लस का 6T होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है फ्रंट के ऊपर दो कैमरास, और वो दो कैमरास लिख लेंगे पॉप अप होकर, जैसे आपको देखने को मिल जाता है वीवो के नेक्स के अंदर। और ऐसे में रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आपको इसकी बैक के ऊपर देखने को मिलेंगे 3 कैमरास, मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन है वो आने वाला है 5 कैमरा के साथ में। और ऐसे में एक और लीक भी ये कहती है कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो वन प्लस तो सोच रहा है कि फुल टाइम कोई हैवी सीन डालने वाला मार्केट में, तो अब देखते हैं कि जो मोबाइल फोन है किस टाइम को रिलीज होता है दुनिया की मार्केट के अंदर, और ऐसे में कितने कैमरा रखे जाते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर जब ये लॉन्च होता है दुनिया की मार्केट में। और यहां पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार फेसबुक के फाउंडर मार्क जिंगरबर्गर से रिलेटेड, यानी कि मार्क जिंगरबर्ग से रिलेटेड। और ऐसे में इन्होंने खर्च कर दिए हैं भाई साहब के ऊपर $10 मिलियन इनकी सिक्योरिटी के लिए और इनके प्राइवेट जेट के लिए। और ऐसे में यार जाहिर सी बात है एक बंदे ने इतने लोगों का डाटा लीक किया है, और ऐसे में पता नहीं लोग इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं ताकि इनकी जो सिक्योरिटी उसे बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में मुझे बड़ी हंसी आ रही है ऐसे बंदे के ऊपर जो कि पहले तो इस तरह के काम करता और बाद में अपने ही जो इस तरह की चीज़ों से पैसे आता है वही अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगाता है। तो अब देखते हैं कि क्या हालात जाते हैं इस बंदे के और कितना बच पाता है अपनी इस सिक्योरिटी के साथ में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार फेसबुक से रिलेटेड ही, और ऐसे में फेसबुक डालने वाला अपने जो पोस्ट है उसके अंदर डिसलाइक का ऑप्शन, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, जो कि दोस्तों वगैरह की पिक्चर होती है और उसे छेड़ने के लिए जो डिसलाइक करना उसके बाद तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और ऐसे में अगर आपको भी कोई पोस्ट बुरी लगती है तो ऐसे में फेसबुक उसके ऊपर डिसलाइक का एक्शन लेगा, और ऐसे में उसको रिव्यू भी करेगा कि पोस्ट के ऊपर डिसलाइक आया तो क्यों आया है, और ऐसे में ये न्यूज़ फेक तो नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है फेसबुक की तरफ से कि वो इस तरह के ऑप्शन को लेके आ रहा है अपनी पोस्ट के अंदर, और ऐसे में आने वाले टाइम के अंदर जो फेक न्यूज़ है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर रहा है जो फेसबुक है वो। तो अब देखते हैं कि हमें आने वाले टाइम के अंदर कितना नीट और क्लीन देखने को मिल जाता है फेसबुक आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ओप्पो के R17 से रिलेटेड, और ऐसे में रिपोर्ट से कहती है कि आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर छोटी सी जगह जहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में जो इसके अंदर 10 GB रैम वाला जो र्यूमर आ रहे हैं वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और ऐसे में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन किस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है और कितने बेजल हमें इससे कम देखने को मिलते हैं इस मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का होने वाला है ओप्पो की तरफ से। तो अब देखते हैं कि मोबाइल फोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है दुनिया की मार्केट में और क्या धमाल कर पाता है दुनिया की मार्केट में। तो बस यार यही थे आज के सारे अपडेट, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे में शायद मैं एक अपडेट मिस भी कर रहा हूँ, हाँ लास्ट अपडेट है वो आता है यार टेस्ला से रिलेटेड, और ऐसे में टेस्ला ने लॉन्च कर दिया अपना एक सर्फ बोर्ड जिसके ऊपर आप कर पाएंगे सर्फिंग, यहाँ पे अब कराची के बीच के ऊपर तो होने से रही। और ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है $1500 यानी 1.5 लाख से ऊपर की चीज़ है। और ऐसे में इसके अंदर स्पेशली एक तरह से जायरो को ऐड किया गया जो कि आपके बैलेंस को मेनटेन रखेगा, और ऐसे में जो आप सर्फिंग वगैरह कर रहे होंगे तो उसके अंदर काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि आप गिर ना सकें। तो ये काफ़ी अच्छी सर्फ बोर्ड आती है जी टेस्ला की तरफ से जो कि पाकिस्तान के अंदर तो आने से रही, और ऐसे में यहाँ पे कोई सर्फिंग करता भी नहीं है। तो ये आता है जी अपडेट टेस्ला की तरफ से, और यही था आज का फाइनल अपडेट भी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर किसी चीज़ की कमी भी महसूस करते हैं वीडियो में तो काइंडली वो भी बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।